फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टास्क क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर देखें तो हमने एक कैरे टाइप का अरे बनाया है ए नाम से और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर की है। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कैरेक्टर अरे में कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, चाहे हम स्कैनअप की सहायता से स्ट्रिंग इनपुट लें या गेट्स की सहायता से इनपुट लें, तो उस स्ट्रिंग के लास्ट में \0 यानी कि ये नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक लास्ट में कंपाइलर का काम होता है कि वो ऐड कर देता है। बेसिकली ये ऐड इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हम इस स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच गए हैं या नहीं। देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इस कैरेक्टर अरे में जो स्ट्रिंग है वो कितनी लेंथ है उसकी, तो आपको एक इंड पॉइंट जो होगा वो तो डिनोट करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं इंड पॉइंट आ चुका है। तो बेसिकली जो \0 लगाया जाता है कंपाइलर के द्वारा, ये यही इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है कि इसके आगे अब कोई भी कैरेक्टर नहीं है, राइट। तो आज का देखिए हमारा टास्क क्या है कि जैसे ये स्ट्रिंग हमने यहां पर इनपुट की है सचिन, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कुछ कैरेक्टर अपर केस में है और कुछ कैरेक्टर लोअर केस में है। तो आज का हमारा टास्क यही है कि जो भी कैरेक्टर अपर केस में है उनको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से लोअर केस के कैरेक्टर को हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था, लेकिन आज हम उसका रिवर्स देखने वाले हैं। और इस काम को करने के लिए हम प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करेंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग में जो भी अपर केस में कैरेक्टर है उनको हम लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शन है strlwr, और इस फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन इस अरे में, जिस अरे का हमने नाम पास किया है, इस अरे में रखी हुई स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर अपर केस में हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो बहुत ही इजी होता है, राइट। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, string.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और इस फंक्शन को सिंपली कॉल करके उस अरे का नाम पास कर देते हैं जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करके रखा है। तो लेकिन आज हम ये फंक्शन यूज नहीं करने वाले हैं, एक हम मैनुअल वे में इसका मेथड देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। उसको जानने से पहले देखिए आपको ASCII कोड पता होना चाहिए क्या होता है। हमारे पास देखिए जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो या नंबर हो, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जितने भी सिंबल आपको दिखते हैं उनका हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का ASCII कोड होता है। तो अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का ASCII कोड होता है 97, राइट। इसी तरह से कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65, राइट। तो स्मॉल बी का ASCII कोड क्या होगा, स्मॉल ए का 97 था तो स्मॉल बी का होगा 98। इसी तरह से कैपिटल बी का ASCII कोड हो जाएगा 66, एक इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। इसी तरह कैपिटल सी का क्या ASCII कोड होगा, 99 हो जाएगा और कैपिटल बी का 67 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो ये स्मॉल केस में है ए और अपर केस में है, इनके ASCII कोड का अगर आप डिफरेंस देखें तो क्या होगा डिफरेंस बताइए, सबट्रैक्ट कर दिए तो हो जाएगा 32। और इसी तरह से जो स्मॉल बी है और कैपिटल बी है उनके ASCII कोड का डिफरेंस देखें तो वो भी 32 के ही बराबर है, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं लोअर केस में और उनका करेस्पॉन्डिंग जो अपर केस है उनके बीच में जो ASCII वैल्यू का, ASCII कोड का डिफरेंस होता है वो 32 के बराबर होता है। तो अगर इस कैपिटल ए को हमें स्मॉल ए में चेंज करना है तो कैपिटल ए का जो ASCII कोड है उसमें हम 32 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल ए का ASCII कोड बन जाएगा। इस तरह से ये कैपिटल ए स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर हम कैपिटल बी को स्मॉल बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो स्मॉल बी का ASCII कोड है 66, इसमें हम ये 32 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 98, और 98 स्मॉल बी का ASCII कोड होता है। तो इस तरह से हम किसी लोअर केस कैरेक्टर, अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसके ASCII कोड में हम 32 ऐड कर दें तो, राइट। तो बस यही हम लॉजिक लगाएंगे, हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे
और लूप की सहायता से हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे जो हमारे पास अरे में है कि वो कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है। अगर लोअर केस में है तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर वो अपर केस में है तो हम क्या करेंगे, उसमें 32 ऐड कर देंगे तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए एक प्रोग्राम करते हैं छोटा सा इसके लिए। तो हमने यहां पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है बेसिकली। फिर मैं लगाता हूं मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हमें एक कैरेक्टर टाइप का अरे बनाना पड़ेगा, राइट। हमने इसका साइज लेट्स से 50 दे दिया, और मैं लगाता हूं क्लियर स्क्रीन। और अब हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यूजर को मैसेज दे रहा हूं इंटर अ स्ट्रिंग, राइट, और हमने लाइन चेंज कर दी। तो क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग, हम स्कैनफ का यूज कर रहे हैं, परसेंट कैप लगाएंगे एंड बैक स्लैश एन लिखेंगे, राइट। ये क्या किया है हमने बताइए, देखिए ये मेथड होता है कि स्कैनर फंक्शन का यूज करके मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट लेना। आपको पता है कि अगर हम यहां पर अगर हम परसेंट एस लिख देंगे तो फिर हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये मेथड होता है कि स्कैनर फंक्शन का यूज करके मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट किस तरह से लेना। देखिए हमारे पास गेट्स भी है, हम गेट्स का भी यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन हमने यहां पर स्कैनर का यूज किया है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा, और इसका हम यूज पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस तरह से जो ए नाम का अरे हमारे पास है उसमें स्ट्रिंग आ चुकी है, तो बस अब जिस अरे में स्ट्रिंग आई है उसके एक एक कैरेक्टर को हमें चेक करना है। तो हमें डेफिनेटली लूप लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने एक वेरिएबल आई नाम से डिक्लेयर कर लिया है, और आई की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और कहां तक लूप को चलाना पड़ेगा, ए ऑफ आई तक एंड आई प्लस प्लस। देखिए ऐसा हुआ क्या, क्या किया हमने, देखिए हमें यह चेक करना पड़ेगा ना कि हम स्ट्रिंग के लास्ट में आ गए कि नहीं। तो जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 6 होगी, तो यहां पर क्या है, बैक स्लैश 0 है, तो ए ऑफ सिक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, बैक स्लैश 0। बैक स्लैश 0 नल कैरेक्टर है जिसका आरसी कोड क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हो गया तो फॉल्स हो गया, मतलब हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ये एक ये तरीका है, या तो हम लिख दें जब तक ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0। हमारे पास ये भी तरीका है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब तक ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0 तो ट्रू होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 6 होगी तो ए ऑफ 6 क्या होगा, बैक स्लैश 0, तो बैक स्लैश 0 नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0 क्या है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट, तो भी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें एक कैरेक्टर को चेक करना है कि वो अपर केस में है कि नहीं। तो हम लिखेंगे इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, कैरेक्टर है तो हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, एंड ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, बस यही तो है। देखिए हमने क्या किया है, हमने चेक किया है कि जो कैरेक्टर है, हमने अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब क्या है, यहां पर कैपिटल एस है, तो कैपिटल एस कैपिटल ए से बड़ा और स्मॉल जेड से छोटा होगा, तो इसके बीच में लाई करेगा, राइट, तो ट्रू है, इसीलिए तो हमने एंड ऑपरेशन लगाया है। तो कोई भी कैरेक्टर अगर वो अपर केस में है तो उसकी यही कंडीशन है चेक करने के लिए, क्यों, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये बहुत ईजी है। तो अब हमें क्या करना है, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस 32 हमें कर देना है, बस यही तो हमें करना है, हर बार 32 ऐड कर देना है। तो जो भी अपर केस में कैरेक्टर था जब हम उसमें 32 ऐड किया तो करेस्पॉन्डिंग लोअर केस का आस्की कोड बन जाता है और वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है, बस। फाइनली हमें क्या प्रिंट करना है, जो अरे में नंबर आया है वो मतलब कि स्ट्रिंग है, हमें प्रिंट करनी है, और मैं लगाऊंगा गेट सी एच एंड दिस। चलिए इसको रन करते हैं एक बार, मैं इंटर करता हूं
एस ए एन डी डबल ई पी एस आई एन जी एच। तो देखिए हर एक कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट, तो देखिए यहां पर हर एक कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। यहां एस लोअर केस में, डी डबल ई लोअर केस में, जी एच लास्ट वाला लोअर केस में हो गया, राइट। तो ये इस तरह से ये प्रोग्राम हो जाता है और बहुत ही इजी था ये प्रोग्राम, ज्यादा टफ तो था नहीं। कुछ भी आप इंटर करें, लेट से मैं इंटर करता हूं वी ए एस एच आई एस एच टी एच एस आई एन जी एच एस टी यू डी ई एन टी। देखिए हर एक कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो वेल आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उन सबको हम बारी बारी से डिफाइन करने वाले हैं, अपना हम खुद का बनाएंगे, खुद की अप्रोच बनाएंगे कि किस तरह से उन फंक्शन को बिना कॉल किए हुए हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो आप इस सेम प्रोग्राम को फंक्शन से करिए। आपको क्या करना है कि उस फंक्शन में इस अरे को पास करना है जो भी आपने स्ट्रिंग यहां पर इनपुट ली है, और उस फंक्शन के थ्रू ये काम करना है, राइट। तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।